हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से संबंध रखने वाले जगत प्रकाश नड्डा के भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में जमकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को लड्डू बांटकर बधाइयां दी। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढालपुर चौक में जेपी नड्डा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में नारे लगाए। वहीं जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का भी आभार व्यक्त किया। जिला कुल्लू भाजपा के अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने कहा कि जेपी नड्डा इससे पहले प्रदेश व केंद्र में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं और उनकी कार्यशैली से भाजपा का हर कार्यकर्ता प्रभावित है। ऐसे में छोटे से प्रदेश से इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में भाजपा के नेतृत्व में अधिक बुलंदियों को छुएगी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी एक बराबर सम्मान दिया जाएगा। हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश की कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो उनको दी है और पूरे देश के अंदर विशेषकर हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल का सपूत, भारत माता का सपूत, भारतीय जनता पार्टी की कमान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर संभाले हुए और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की चेयर पर बैठ रहे हैं। और उसके पूर्व ये कुल्लू में भारतीय जनता पार्टी बहुत कम समय के अंदर बहुत हर्षोल्लास के साथ ये खुशियां मना रही है, लड्डू बांट रहे, मिठाइयां बांट रहे, आतिशबाजी हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप यूपी में जब वो एज प्रभारी रहे तो उससे पहले अमित शाह जी जब वहाँ के प्रभारी थे तो उन्होंने 80 में से 73 सीटें जो जीत के दी। तो इस बार जो है जो महागठबंधन बना उसकी वजह से थोड़े कायस लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है हालत ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि बीएसपी और एसपी ने मिलकर गठबंधन बनाया था। लेकिन उस चीज जो कायस लगाए जा रहे थे उनको भी उन्होंने पार किया और 62 सीट जो है जीत के दिखाई। तो वो एक सफल अध्यक्ष रहेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और आगे जो है वो अमित शाह जितने, जैसे अमित शाह ने हमें बहुत अच्छे अध्यक्ष के रूप में जो है वो देश को संभाला, भाजपा को संभाला, उसी तरह से हम इन्हें भी देखते हैं। पीआईटीवी के लिए कुल्लू से बालकृष्ण की रिपोर्ट।